हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम अर्जुन है और आज आपको दिखाने के लिए मेरे पास ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है। इसे मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूं और आज आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और आपको इसके सभी फीचर्स डिटेल में बताऊंगा। पर अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मैं जब भी ऐसी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको पता लग जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। स्कूटर का बॉक्स कुछ इस तरह का आता है। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर ई मोटर एड कंपनी का है, जो इलेक्ट्रिक साइकिल्स भी बनाती है। और इनकी एक इलेक्ट्रिक साइकिल टी रेक्स का रिव्यू मैंने चैनल पर पहले कर रखा है, काफी अच्छी साइकिल थी। अगर आप इलेक्ट्रिक साइकिल लेने की सोच रहे हैं तो आपके लिए मैंने ऊपर और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस साइकिल की वीडियो की लिंक दे रखी है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। ये स्कूटर काफी बढ़िया तरीके से कुछ इस तरह इस छोटे से बॉक्स में पैक होकर आता है। काफी बढ़िया पैकेजिंग इसकी की गई है। बॉक्स में एक स्कूटर आता है। स्कूटर के अलावा इसमें आपको एक चार्जिंग केबल मिलती है, एक इसका अडेप्टर दे रखा है। इस अडेप्टर में चार्जिंग केबल कुछ इस तरह से कनेक्ट होती है। इसके बाद आप इसका यूज करके अपने स्कूटर को चार्ज कर सकते हैं। फिर एक प्लास्टिक बैग दे रखा है, जिसमें इसकी एक एलन की और चार स्क्रू दे रखे हैं, जिनका यूज करके आप इस स्कूटर को असेंबल कर सकते हैं। स्कूटर को असेंबल करने के लिए आपको सबसे पहले इसके हैंडल को इसकी रोड से कनेक्ट करना है। इसके बाद आपको स्क्रू होल्स को अलाइन करना है और दो स्क्रूज को आगे और दो स्क्रूज को इसके पीछे लगा देना है। इसके बाद एलन की से बारी बारी आपको सभी स्क्रूज को टाइट कर देना है। तो दोस्तों, सभी स्क्रूज टाइट हो चुके हैं और सिर्फ कुछ ही मिनट्स में हमारे स्कूटर असेंबल होकर तैयार हो चुका है। चलिए सबसे पहले स्कूटर की डिजाइन की बात करते हैं। यहाँ पर आपको ऊपर हैंडल दिया गया है और इस हैंडल के दोनों तरफ आपको काफी अच्छी ग्रिप देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको थंब थ्रोटल दे रखा है, जिसे प्रेस करते ही स्कूटर चलने लग जाता है। इसके अलावा बीच में आपको एक LED डिस्प्ले दी गई है और यहाँ पर ये आपको लॉक दिया गया है, जिसके थ्रू आप इसे लॉक कर सकते हैं और अपने साथ इजीली कैरी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बेल दी गई है और यहाँ पर आपको लीवर दिया गया है, जिसे प्रेस करने पर स्कूटर के दोनों टायर रुक जाते हैं। स्कूटर पे जो अलॉय यूज़ किया गया है, ये स्टील अलॉय है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी सॉलिड सा लगता है। यहाँ पर आपको इसका लॉक दिया गया है, जिसके थ्रू आप इसे फोल्ड कर सकते हैं। लॉक को खोलने के लिए आपको इसे ऊपर प्रेस करना पड़ता है और फिर बाहर की तरफ खींचना है। इसके बाद ये लॉक अनलॉक हो जाएगा, फिर आप इसे फोल्ड कर सकते हैं और यहाँ पर ये लॉक लगा सकते हैं और इसके बाद आप इसे अपने साथ कैरी कर सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, फोल्ड करने के बाद काफ़ी छोटी डिज़ाइन इसकी हो गई है। इसे आप इजीली अपनी कार के बूट में ले जा सकते हैं और अपने साथ इजीली कैरी कर सकते हैं। इसी तरीके से जहां आपको इसे चलाना हो वहां आपको इसे रखना है और कुछ इस तरह से इसे अनफोल्ड करके इसके लॉक को फिर से लगा देना है। इसके बाद आप इसे फिर से चला पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको छोटा सा स्टैंड देखने को मिलता है, जिसको लगा कर आप स्कूटर को इस तरह से खड़ा कर सकते हैं। बीच में आपको फुटस्टेप देखने को मिलता है और इसके ऊपर काफ़ी ग्रिपी सा सरफेस देखने को मिलता है, जिसके कारण आपके पैर या फिर जो शूज़ होते हैं उनकी इस पर काफ़ी अच्छी ग्रिप बनती है और आपके पैर फिसलते नहीं हैं। आपको स्कूटर में फ्रंट और बैक साइड में 8.5 इंच के हनीकॉम टायर दिए गए हैं। जो ये फ्रंट वाला टायर है, इसी के अंदर इसकी मोटर है, जिससे ये चलता है। इसके अलावा जो बैक साइड में आपको टायर दिया गया है, यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी पावरफुल है और हाथों हाथ आपके स्कूटर को रोक देता है। और यहाँ पर आपको ये रेड कलर की लाइट दी गई है, जो ब्रेक लगाने पर जलती है। स्कूटर की ग्राउंड क्लीयरेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको 15 सेंटीमीटर्स की ग्राउंड क्लीयरेंस दी गई है। काफ़ी अच्छी ग्राउंड क्लीयरेंस है, तो आप बिना कोई दिक्कत के इसे आराम से चला सकते हैं। स्कूटर में आपको सेफ्टी फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। अगर आप इसे नाइट में राइड करेंगे तो यहाँ पर आपको फ्रंट साइड में रिफ्लेक्टर दिया गया है, ऐसे आपको बैक साइड वाले टायर के ऊपर भी रिफ्लेक्टर दिया गया है, तो आप इजीली रात में भी विजिबल रहेंगे। इसके अलावा स्कूटर में आपको ऊपर हेडलाइट दी गई है, जो काफ़ी अच्छी हाइट पर है, तो आपको काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी इसके थ्रू मिलती है और आप रात को भी इस स्कूटर को आराम से चला पाते हैं। स्कूटर को ऑन करने के लिए आपको नीचे दिए गए बटन को 3 सेकंड्स तक प्रेस करके रखना है। इसके बाद एक बीप की आवाज़ आएगी और ये ऑन हो जाएगा। हैंडल के बीच में आपको 3 इंच की मल्टीफंक्शनल डिस्प्ले दी गई है, जिसमें आप काफी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। जैसे सबसे ऊपर आप अपनी स्पीड चेक कर सकते हैं, नीचे आप स्पीड के अलग अलग मोड्स को देख सकते हैं। यहाँ पर आपको हेडलाइट का इंडिकेटर दे रखा है, नीचे आप अपनी करंट ट्रिप चेक कर सकते हैं और यहाँ पर आप बैटरी लेवल चेक कर सकते हैं। जैसे अभी आप देख सकते हैं इसमें 4 बार आ रही है, मतलब अभी बैटरी फुल चार्ज है। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो स्पीड आ रही है वो माइल्स में शो हो रही है। आप चाहें तो इस मैट्रिक को चेंज भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे दिए गए बटन को 3 बार प्रेस करना है और फिर ये स्पीड किलोमीटर
पर आर में शो होने लग जाएगी। इसके नीचे आपको स्पीड मोड्स देखने को मिलते हैं, जिन्हें आप नीचे दिए गए बटन को एक बार प्रेस करके चेंज कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं अब सेकंड मोड आ गया है। अब मैं फिर से प्रेस करूंगा तो थर्ड मोड आ जाएगा। जो फर्स्ट मोड है इसके अंदर आप थ्रॉटल को प्रेस करेंगे तो मैक्सिमम 15 किलोमीटर पर आर की स्पीड जाएगी। सेकेंड मोड में मैक्सिमम स्पीड 20 किलोमीटर पर आर तक जाएगी और थर्ड मोड में मैक्सिमम स्पीड 25 किलोमीटर पर आर तक जाएगी, जो कि इस स्कूटर के हिसाब से काफी अच्छी खासी स्पीड है। नीचे दिए गए बटन को दो बार दबाकर आप इसकी हेडलाइट को ऑन कर सकते हैं और इसके बाद आपको डिस्प्ले में भी इंडिकेटर शो हो जाएगा। स्कूटर को अगर आप बंद करना चाहते हैं तो आपको 3 सेकंड तक इस बटन को प्रेस करके रखना है। स्कूटर को चलाने के लिए आपको सबसे पहले अपने एक पैर को इस पर रखना है, फिर आपको बिना रेस दिए इसमें बैलेंस बनाकर देखना है और इसके बाद बैलेंस बनने के बाद आप रेस दे सकते हैं और ये चलने लग जाएगा। स्कूटर की सेफ्टी की बात करें तो आपको इसे मेन रोड पर नहीं चलाना चाहिए, ये इंडोर यूज़ या फिर खुली रोड पर चलाने के लिए बना है, क्योंकि इसमें आपको मिरर्स देखने को नहीं मिलते हैं तो आप अपनी सराउंडिंग्स के बारे में अवेयर नहीं रह पाएंगे। इसके अलावा ये बम्पी रोड्स पर चलाने के लिए नहीं बना है। अगर आप बम्पी रोड्स या टूटी फूटी रोड पर इसे चलाएंगे तो आपका बैलेंस ख़राब हो सकता है और आपको झटके भी काफ़ी लगेंगे, क्योंकि इसमें शॉकर्स नहीं दिए गए हैं। बाकी आप इस स्कूटर को अटेंशन मैग्नेट कह सकते हैं। मैं जब भी इस स्कूटर को बाहर लेके निकलता था तो हर दूसरा आदमी मुझसे पूछ लेता था कि ये क्या चीज़ है, आपने कहाँ से परचेज़ किया है और ये कितने का आता है। तो काफ़ी एक यूनिक सा एक्सपीरियंस रहता है और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आप कोई महंगी कार बाहर लेके निकले हैं, सबकी नज़र इस पर रहती है। इस स्कूटर में आपको 36 वोल्ट 7.5 एम्पीयर की इनबिल्ट लिथियम आयन बैटरी मिलती है, जो कि इसके फुट स्टेप के नीचे दी गई है। बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको यहाँ नीचे बोर्ड दिया गया है जहाँ आप इसका चार्जर कनेक्ट कर सकते हैं। जब स्कूटर चार्ज हो रहा होगा तो इसके एडाप्टर में रेड लाइट शो होगी और फुल चार्ज होने के बाद इसमें ग्रीन लाइट आ जाएगी। स्कूटर को फुल चार्ज होने में 3 से 4 घंटे लगते हैं और एक बार फुल चार्ज होने के बाद आपको इस स्कूटर से 15 से 20 किलोमीटर की रेंज मिल जाएगी, जो कि आपके वेट और स्पीड के हिसाब से कम ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा इस स्कूटर की बैटरी से आपको 180 दिन तक का स्टैंड बाय टाइम भी मिलता है, तो अगर आप इसे काफी टाइम तक यूज भी ना करें तो आपको इसे हर दूसरे दिन चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्कूटर में आपको 250 वोल्ट की फ्रंट हब मोटर दी गई है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है और मैक्सिमम 120 किलो के पैसेंजर का वेट उठा सकती है। इसकी पावरफुल मोटर के कारण आपको इस स्कूटर से 25 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड मिलती है। इसके अलावा ये स्कूटर IPX4 की वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आता है, तो थोड़े बहुत पानी से इसे कोई दिक्कत नहीं होगी, पर बारिश में आपको इसे यूज नहीं करना चाहिए। स्कूटर के प्राइस की बात करें तो अभी ये स्कूटर 30,000 रुपए का आ रहा है और इसकी बिल्ड क्वालिटी और इसके फीचर्स के हिसाब से मुझे बिल्कुल वर्थ इट लगा। आप इसे बिल्कुल फ्रेश और इनोवेटिव प्रोडक्ट कह सकते हैं, जो सभी की अटेंशन अपनी तरफ खींचता है। तो दोस्तों, अगर आप इस स्कूटर को परचेज करना चाहते हैं तो आप e-motorrad की वेबसाइट पर जाकर इसे परचेज कर सकते हैं और अगर आप चेकआउट पेज पर अर्जुन टैग प्रोमो कोड का यूज करेंगे तो आपको 3,000 रुपए की एक्सेसरीज इसके साथ फ्री मिल जाएगी, जिसमें आपको ग्लव्स, हेलमेट और लॉक वगैरह इसके साथ मिल सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मैं जब भी ऐसे वीडियो अपलोड करूं तो आपको पता लग जाए। अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके पूछ सकते हैं, मैं आप सबके रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। फिर मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।